हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाते हैं बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बाउंटी, जो कि बनकर काफ़ी टेस्टी तैयार हुई थी। आप भी बनाइएगा। इसके लिए हमने एक कटोरी गरी का बूर आधा ले लिया, आधा कटोरी कंडेंस्ड मिल्क लगेगा और दो डेरी मिल्क चॉकलेट लगेंगी। गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और नई नई रेसिपीज़ बनाने का मन करता है। तो गाइज, हमने सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में एक कटोरी गरी का बुरादा ले लिया, उसमें आधा कटोरी कंडेंस्ड मिल्क डाला। और गाइज, कंडेंस्ड मिल्क मैंने अपने घर पर ही बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। अब हमने गरी के बुरादा और कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से मिक्स किया और इसको एक सार कर लिया और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया। जब डो तैयार हो जाएगा तो गाइस, हम इसमें मनचाहे शेप की बाउंटी बनाएंगे और फिर उनको चॉकलेट से कोट करेंगे। अब ये हमारा डो लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम कुछ गोल बनाएंगे और कुछ चपटे बनाएंगे। अब हमने हाथ में थोड़ा सा डो की लोई काट ली और उसको ऐसे रोल रोल करके चपटा कर लिया। इस तरह से हम सभी चपटी बाउंटी तैयार कर लेंगे। अब इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरी चपटी चॉकलेट बाउंटी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइस, हम कुछ चॉकलेट बाउंटी गोलाकार भी बनाएंगे। इसी तरह आप अपने मनपसंद आकार की बाउंटी तैयार कर सकती हैं। देखिए गाइस, हमारी सभी बाउंटी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको चॉकलेट से कोट करेंगे। इसके लिए हमने दो डेरी मिल्क ले लिया, बड़ी वाली, और उनको पीसेस में तोड़ लिया और एक भगोना चढ़ा दिया और उस पर पानी भर दिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। चॉकलेट को डबल बॉयलर से ही मेल्ट करना चाहिए। अब हम दूसरे कटोरे में चॉकलेट लेकर उसको पकड़ की मदद से पकड़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी टच कर इस तरह से रख के हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम एक टिफ़िन ले लेंगे, उसमें बटर पेपर रख देंगे और उसको घी से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हम चॉकलेट बाउंटी में चॉकलेट कोट करेंगे। देखिए हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी मेल्ट हुई है। अब हम इस तरह से ऊपर से डालकर चॉकलेट को पूरी तरह से इसमें कोट कर लेंगे। अब इसको फॉक की मदद से उठाकर टिफिन में रख देंगे। इसी तरह से हम सारी चॉकलेट बाउंड्री बना देंगे और इसको फ्रीजर में बंद करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। गाइस, देखिए हमारी चॉकलेट बाउंटी लगभग बनकर तैयार हो गई। हम इनकी प्लेटिंग कर देंगे। गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।